हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल वर्क ऑन क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड लॉस्ट स्प्रिंग दैट इज प्रेस्क्राइब्ड इन क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्स साहेब जो लड़का है जो लॉस्ट स्प्रिंग है दो पार्ट में है कहानी फर्स्ट पार्ट में साहब की कहानी है सेकेंड पार्ट में मुकेश की कहानी है दोनों बच्चे हैं जो अंडर प्रिवलेज हैं गरीब हैं काफ़ी और दोनों को अपनी जो बचपन की जो नीड्स हैं वो नहीं मिल पाती हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है उनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता है तो उनको काम करना पड़ता है अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उसको उठाने के लिए तो फर्स्ट पार्ट का जो लड़का है साहेब उसके बारे में पूछ रहा है कि व्हाट डज़ साहेब लुक फॉर इन द गारबेज डम्प्स गारबेज यानी कूड़ा कचरा कूड़ा कचरा के डम्प्स में साहब क्या खोजता है व्हाट इज़ साहेब लुकिंग फॉर इन द गारबेज डम्स गार्बेज फिर वही सेम गारब्बे डंग में डंप में वो साहब क्या खोजता है वेर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम वो कहाँ है अभी वो कहाँ रह रहा है और वो कहाँ से आया है आंसर इज इन द गार्बेज डम्प साहेब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश कूड़ा कचरा के ढेर में साहेब यूजफुल आइटम्स वो आइटम्स जिनको बेच करके कुछ पैसा मिल सकता है जैसे प्लास्टिक के सामान हैं प्लास्टिक के थैलियाँ हुई प्लास्टिक के बोटल्स हुए या प्लास्टिक के खिलौने या प्लास्टिक के जो भी आ, घर के आइटम्स हो गए कुछ भी वो सब अगर टूट फूट जाते हैं तो लोग ऐसे ही गार्बेज में फेंक देते हैं तो वो सब आइटम्स को वो खोजता है उन सब आइटम्स को वो बोड़े में भर भर करके ले जा कर के कबाड़ी की दुकान पे बेचता है या और भी कुछ सामान जैसे लोहे का सामान लोहे का सामान भी कबाड़ी खरीद लेता है तो लोहे का सामान हुआ प्लास्टिक का सामान हुआ या ऐसा कुछ पेपर्स वेपर्स भी अगर अच्छी अच्छे कंडीशन में है तो वो सब भी कबाड़ी की दुकान पर बिक जाती है तो कबाड़ी की दुकान पर बेचने लायक मटेरियल वो गार्बेज डम्प्स में खोजता है एज दिज आइटम्स कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी वही इन आइटम्स को मनी के लिए ट्रेड किया जा सकता है मतलब व्यापार मतलब बेचा जा सकता है दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम और उसके लिए ये सब चीज़ें गोल्ड है अगर कोई चीज़ लोहा की मिल गई तो लोहा थोड़ा और महंगा बिकता है प्लास्टिक से या कुछ ऐसा चीज़ मिल गया तो कभी पैसे भी मिल जाते हैं उसमें तो ये उसके लिए गोल्ड है साहेब एंड हिज फैमिली लिव इन सीमापुरी असलम ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली हाँ दूसरा क्वेश्चन था कि साहेब कहाँ रहता है तो साहिब दिल्ली की पेरीफरी में उसके परिधि में एक जगह है सीमापुरी मतलब दिल्ली का आउटसाइड एरिया है एकदम से आउटस्कर्ट्स दिल्ली के आउटस्कर्ट में एक एरिया है सीमापुरी जो स्लम एरिया है झुग्गी बस्ती एरिया है वहाँ पे रहता है हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश और वो कहाँ से आया है ये भी क्वेश्चन था तो वो बांग्लादेश से आया है उसकी फैमिली बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ पर आई है भोजन की तलाश में सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर ये जो बच्चे हैं जो भी साहेब के साथ के जितने भी बच्चे हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं कूड़ा कचरा बटोरते हैं कूड़े कचरे में से यूजफुल आइटम्स खोजते हैं ये सब के संग बेयर फुट सब के साथ साँग मतलब नंगे पैर घूमते रहते हैं तो क्या ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं उनके बेयर फुट होने का कि क्यों वो बेयर फुट हैं क्यों नंगे पैर घूमते हैं द ऑथर हैज़ सीन मेनी चिल्ड्रन इन द विलेज एज वेल एज सिटीज इन इंडिया वॉकिंग बेयर फूड ऑथर ने देखा है कि भारत के बहुत सारे शहरों में और गाँवों में बच्चे ऐसे ही नंगे पैर घूमते हैं अभी तो नहीं घूमते हैं हाँ मगर बहुत पहले आज से तीस चालीस पचास साल पहले अक्सर ही बच्चे नंगे पैर ही घूमते रहते थे द जनरल एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज़ नॉट लाइक ऑफ मनी बट द ट्रेडिशन टू स्टे वियर फूड तो ऑथर को लगता है कि भारत में ट्रेडिशन ही नंगे पैर घूमने का गरीबी की वजह से नहीं एक ट्रेडिशन ही है द अथर है इज़ नॉट श्योर मगर अथर श्योर नहीं है कि ट्रेडिशन की वजह से या कि सच में गरीबी की वजह से मगर ये साहब जैसे जो बच्चे थे वो ट्रेडिशन की वजह से नंगे पैर नहीं घूम रहे थे उनके पास पैसे नहीं थे चप्पल ख़रीदने के लिए सी थिंग्स दैट इन मैनी केसेज इट मे बी एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी बोल रहे हैं कि कुछ केसेज में ऐसा हो सकता है कि इसको एक एक्सप्लेनेशन बना दिया जाए पॉवर्टी को छुपाने के लिए गरीबी को छुपाने के लिए कि नहीं यहाँ तो फैसला नहीं है नंगे पैर चलने का मगर ऐसा है नहीं इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन क्या साहब शुरू में तो रैक पिकिंग का काम करता है मगर बाद में उसको एक टी स्टॉल पे जॉब मिल जाती है तो क्या साहब हैप्पी है टी स्टॉल वाली जॉब करके नो साहब इज नॉट हैप्पी बाय वर्क बाय वर्किंग एट द टी स्टॉल वो चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है राइक पेकिंग वाला ही काम उसके लिए अच्छा था क्योंकि उसमें वो फ्री था जब मर्जी तब काम करता था जब मर्जी तब खेलता भी था अपनी मर्जी का मालिक था उसका बोड़ा उसका था ही इज नाउ बाउंड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डन अब वो अपने मालिक से बंधा हुआ है वो जो चाय वाला है जो जिसकी चाय की दुकान है अब उसका वो गुलाम हो चुका है वो बंध गया है स्टील कनिस्टर कैरीज इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग पहले वो क्या करता था कि रैक पैकिंग में प्लास्टिक का बड़ा सा बोड़ा लेके चलता था और उसमें कूड़ा कचरा में से जो भी काम लायक चीज़ें होती थी उसको निकाल निकाल करके उस बोडे में डालता था वो काफ़ी हल्का होता था आराम से पीठ पे डाल के घूमता रहता था अभी जो है कनिस्टर पतीला जिसमें वो दूध ले, लेने जा रहा था वो काफ़ी भारी लग रहा था उसके उम्र के हिसाब से द बैग वॉज़ हिज ओन एंड द कनिस्टर बिलोंग्स टू हिज एक्चुअली क्या था भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि बैग उसका उसका खुद का बैग था वो अपनी मर्जी का मालिक था जब मर्ज़ी तब किया नहीं तो नहीं किया मगर अभी क्या है जिसका जो कनिस्टर है पतीला है ये इसके मालिक का है इसका मन नहीं भी है तब भी इसको जाना ही पड़ेगा हुज ऑर्डर ही नाउ हैज़ टू फॉलो अब उसको वो अपने मर्जी का मालिक नहीं रहा उसको अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो करना है सो ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है फोर्थ क्वेश्चन What makes the city of Firojabud famous? Firozabad famous. Firozabad city kis liye famous hai? The city of Phirozabad is famous for its bangles. फिरोजाबाद जो सिटी है वो इसके चूड़ियों की वजह से प्रसिद्ध है इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री ये इंडिया के ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री यानी चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री का सेंटर है हियर आर फैमिलीज हु हैव स्पेंट जनरेसन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज यहाँ पे फिरोजाबाद में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके जनरेशन टू जनरेशन दादा परदादा से लेके आने वाली जनरेशन तक भट्टी भट्टी के आगे बैठ करके चूड़ियाँ बनाने का काम किए हैं वेल्डिंग ग्लास वेल्डिंग ग्लास यहाँ पे ग्लास को वेल्ड करना सटाना जोड़ना एंड मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ पूरे देश की औरतें पहनती हैं फिफ्थ क्वेश्चन इज मेंशन द हेजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी चूड़ी बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसके जो हेजार्स हैं उसकी जो कठिनाइयां हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताइए यानी कि ग्लास इंडस्ट्री के ग्लास बैंगल शीशे की चूड़ियाँ बनाने के इंडस्ट्री के जो भी नुकसान वाली चीज़ें हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए हिजार्स यानी दुष्प्रभाव मतलब उसका लाइफ पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताइए मतलब ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज रन इन डार्क हर्टमेंट्स ये जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री ये कहाँ रन होती है कहाँ चलती है ये अंधेरे हटमेंट्स हटमेंट्स यानी छोटे छोटे घर होते हैं झोपड़ी नुमा उसमें चिल्ड्रेन विद द पेरेंट्स सीट इन फ्रंट ऑफ द लाइन्स ऑफ फ्लिकिंग फायरस ऑफ ऑयल लैम्प बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक लाइन से जो ऑयल लैंप्स होते हैं तेल से जलने वाले लैम्प्स उसके टिमटिमाती रोशनी में एक लाइन से बैठते हैं दे वेल्ड स्पायरल कलरफुल बैंगल्स और वो इस बैंगल कैसा होता है गोल होता है स्पायरल ही होता है और कलरफुल बैंगल्स को वो एक जगह से जोड़ते हैं दे आर आई आईज़ आर मोर सेट इन डार्क दैन द लाइट ऑफ आउटसाइड और अंधेरे में काम करने से उनकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा सेट हैं बाहर जाने पे उनको दिक्कत होता है वो अंधेरे में अच्छे से देख लेते हैं इसीलिए बड़े होने पे उनकी आंख की रोशनी भी चली जाती है दैट्स वाई मैक्सिमम

मुकेश का जो एटीट्यूड है अपनी फैमिली मेंबर्स से अलग कैसे है मतलब उसकी फैमिली जो मेंबर्स हैं वो तो डेस्टिंड है कि हाँ हमें बैंगल मेकिंग का ही काम करना है हमारे बापा दा बाप दादा भी यही काम किए थे और हम भी यही काम करेंगे मगर मुकेश ऐसा नहीं सोचता है वो कुछ अलग करना चाहता है अनलाइक हिज फैमिली मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर अपनी फैमिली मेम्बर्स के अपोजिट मास् मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है मतलब अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बनना चाहता है हे ड्रीम्स टू बी अ मोटर मैकेनिक वो एक मोटर मैकेनिक बनना बनना चाहता है विच इन इट्स सेल्फ इज अ डेयरिंग थाट जो कि अपने में खुद में एक डेयरिंग थाट है बिकॉज ही बिकॉज ही वांट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फैमिली वर्क ऑफ मेकिंग फेंगल बेंगल क्योंकि ये जो फैमिली का जो पुस्तैनी काम है एक तरह से चूड़ी बनाने का उसको ब्रेक करना होगा वेर इन हिज फोर फादर्स हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अक्रॉस फरनेशन जबकि उसके फोर फादर्स फोर फादर्स यानी उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स उनके पेरेंट्स मतलब उसके ऊपर की पीढ़ी अपनी जिंदगी बैंगल बनाने में ही स्पेंड की है ओके नाउ इट्स क्लियर